तो आज हम पढ़ लें गेट और गिटहब। अच्छा, ये गेट गिटहब है क्या, ये सारी चीजें इसको पहले से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, सही है? आप लोग सबके जीमेल के अकाउंट होंगे, उसमें सबका ड्राइव बना हुआ होगा, पिक्चर्स वगैरह आप लोग अपलोड कहाँ कर देते हो? ड्राइव पे रख देते हो, ताकि इन केस अगर कोई खुदा ना खास्ता मोबाइल वगैरह किसी का चोरी हो गया या गिर गया, कुछ ऐसा मसला किसी के साथ पेश आ जाता है, तो आपका डेटा कहाँ पे होगा? ड्राइव पे होगा। इसी तरह जो आईफोन यूजर है वो कहाँ पे रखते हैं? आई क्लाउड पे रखते हैं। तो आप लोग का ये जो डेटा होता है ड्राइव पे और आई क्लाउड पे सेफ हो जाता है, ऐसा ही होता है। अब आप कहीं भी जाओगे, अपनी ड्राइव खोलोगे, वहां पे वो आपको डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इससे कौन कौन एग्री करता है? सबको एग्री करना चाहिए, और ऐसा कोई होगा नहीं जैसे ड्राइव का या आई क्लाउड का पता ना हो, ठीक है? तो अब इसी तरह अगर हम अपने कोड की बात करें, सही है? तो कोड की बात करें, कोड भी तो हमारा कहीं सेफ होना चाहिए ना, सही है? अगर हम फॉर एग्जाम्पल अपना कोड हमने विंडोज में रखा हुआ है, अपने सिस्टम में रखा हुआ है, सही है, इन केस विंडो उड़ जाती है, लैपटॉप खराब हो जाता है, हमारे पूरे 6 6 महीने के कोर्स का कोड हमारे पास यहाँ है, यहाँ तक कि हमारे प्रोजेक्ट जो हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं उसका कोड भी हमारा कहाँ है? सिस्टम में। अब अगर मेरे सिस्टम को कुछ हो गया तो मेरा कोड कहाँ जाएगा? मेरा कोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, ऐसा ही होगा। अब इसको संभालने के लिए जैसे हम अपनी पिक्चर्स फोटोज वीडियोस आई क्लाउड या ड्राइव पे रखते हैं, इसी तरह हम अपना कोड कहाँ पे रखते हैं? गिटहब पे, सही है? गिटहब पे कोड जाता किसके थ्रू है? गिट के थ्रू। वो हमारा टूल है, वो हम देखेंगे, सही है? तो इसलिए हम क्या, हमने गिटहब वगैरह यूज करेंगे ताकि हमारा जो भी सारा कोड हो ना वो वहां पे क्या हो, सेफ रहे। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ क्लास में काम किया, यहाँ के सिस्टम पे, सही है, आप घर गए, आप वो कोड किस तरीके से अपने सिस्टम में डालोगे? या तो आप क्या करोगे, उस कोड को व्हाट्सअप करोगे अपने, या कुछ सेंड करोगे, या किसी को ऐसे सेंड करोगे, या यूएसबी में रखोगे और फिर जाके दूसरे सिस्टम में जाके लगाओगे, फिर वाला कोड आपको मिलेगा, ऐसा ही होगा। तो ये बेस्ट अप्रोच है। ये तो आप मतलब एक फाइल है, मल्टीपल फाइल जाएंगी कभी प्रोजेक्ट में, तो फिर आप क्या कोड को कॉपी पेस्ट करके यूएसबी में रख के इधर उधर लेकर घूम रहे होगे, यूएसबी भी चोरी हो सकती है, गिर सकती है। फिर तीसरी चीज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि अभी इनिशियल लेवल पे आप लोग क्या कर रहे हो, इनिशियल लेवल पे आप लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हो, आपके असाइनमेंट्स हैं, आप इंडिविजुअल सबमिट कर रहे हो, सही है? आपके साथ कोई एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा। असाइनमेंट में मैंने अभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि यार एक असाइनमेंट है आप दोनों मिलके बना लेना, सही है? आप एक ही बंदा अपना सारे असाइनमेंट खुद कर रहा है। अब आगे चल के क्या होगा, आगे चल के हम लोग, जाहिर सी बात है, जब हमारे प्रोजेक्ट्स का स्कोप बड़ा होगा, लेंथी प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीपल डेवलपर्स एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। सपोज करो मैं एक व्हाट्सएप जैसी ऐप बना रहा हूँ, सही है, तो ये कोई 2 दिन में तो नहीं बन जाएगी, या अगर मैं महीने में भी अकेले तो नहीं बना दूंगा, इसमें मुझे महीनों लगेंगे, और मैं अकेले नहीं बना रहूंगा, इसमें महीनों भी लगेंगे और डिफरेंट मतलब मल्टीपल डेवलपर्स भी काम कर रहे होंगे। तो अब इसको मैं मैनेज किस तरह करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, तबर काम कर रहा है, और 3 4 लड़के और काम कर रहे हैं, 5 लड़के इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब मैं उसका कोड क्या करूंगा, व्हाट्सअप करूंगा कि भाई मैंने ये वाली फाइल, आज मैंने ये काम किया था, मैंने तुम्हें ये वाला व्हाट्सअप कर दिया, तुमने किया था, इसने एक ग्रुप में सेंड कर दिया, फिर एक बंदा बैठ के उसको मर्ज कर रहा होगा सारी चीजें। तो ये तो जो बंदा मर्ज कर रहा होगा, या और हो, पहली बात है पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती बड़े प्रोजेक्ट पे, लेकिन एक यही हल आएगा, ये अपने घर पे बैठ के काम कर रहा है, मैं अपने घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, सब अलग अलग बैठ के कर रहे हैं, तो अब उस कोड को हम एक जगह रखेंगे कैसे? ये सारे मसले मसाइल हमारे चलते रहेंगे। अब इन सारे मसले मसाइल को जो सॉल्व करता है वो क्या है, गिट और गिटहब है, सही है? गिटहब हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हमारा ड्राइव वगैरह होता है, वहां पे हमारा टोटल कोड क्या होता है, सारा सेव होता है इन अ फॉर्म ऑफ रिपोजिटरीज। जैसे हमारे पास फोल्डर्स होते हैं ना, ड्राइव पे फोल्डर्स होते हैं, डेस्कटॉप पे फोल्डर्स होते हैं, सारी चीजें, तो गिटहब पे हमारे उन फोल्डर्स को, हम प्रोजेक्ट्स को क्या बोलते हैं, रिपोजिटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोजिटरीज बोलते हैं। और गिट जो है वो टूल है, के फॉर एग्जाम्पल दराज है, दराज को मैं कोई अपना सामान भिजवा रहा हूँ, जो सामान, दराज क्या हो गया, गिटहब हो गया, गिटहब को मैं कोई चीज भिजवा रहा हूँ, किसके थ्रू भिजवा रहा हूँ, दराज के राइडर के थ्रू,
दराज का राइडर लेकर जा रहा है वो क्या है गेट, गेट हम लोग पुश और पुल वगैरह आप वो लेकर आ रहे हैं तो गेट, गेट के थ्रू हम ये काम करेंगे, वो टूल है। ये चीज सबके क्लियर है कि गिटअप यूं यूज करेंगे क्या चीज है, क्लियर है? अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊ ना तो मैं इधर आता हूँ और मैं लिखता हूँ github.com/ मैं अपना यूजर नेम डालता हूँ बिलाल रहमान, मैंने 08 ठीक है। मैंने अभी क्या किया था क्लास 2 तक का मैंने कोड आप लोग को शेयर किया था, किस किसने वो खोल के देखा था? बस बाकी उन्हें क्यों तौफीक नहीं हुई बाकियों को खुलने की, सब आता था, अगर शायद वो देख लेते तो असाइनमेंट हो जाता, सही है? तो जो मैंने कोड दिया था वो क्या था, देखो मेरी प्रोफाइल में आए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है ओवरव्यू, दूसरा क्या नजर आ रहा है रिपोजिटरीज। मैंने क्या बोला अगर मैं अपने किसी फोल्डर को किसी प्रोजेक्ट को किसका नाम है यहाँ पे क्या बोलते हैं रिपोजिटरीज बोलते हैं, मैं रिपोजिटरीज में आया, मैंने आपसे कौन सी रिपोजिटरी शेयर की थी SMIT Flutter Page, ये समझो मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसमें मैं अब सारा काम अपना रखा करूंगा और आप लोग आके इसको आराम से देख सकते हो। मैं SMIT Flutter Page में आया, अब देखो मैंने यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 का क्या डाला हुआ है कोड रखा हुआ है, ये इना फॉर्म ऑफ क्या है सिंपल फोल्डर है। मैं अगर क्लास 1 में जाता हूँ तो मैंने variables.dart की क्या बनाई हुई है फाइल बनाई हुई है, यहाँ पे आप ये सारा कोड देख सकते हो, सही है? तो ये क्या है मेरी जो मेरा रिपोजिटरी है, मेरा एक तरीके का क्या है प्रोजेक्ट है। इस तरीके से आप लोग की भी आईडी बनी होगी और आपकी यहाँ पे मल्टीपल रिपोजिटरीज आ रही होंगी और सारा काम हो रहा होगा। अभी आप लोग को यहाँ पे कितनी रिपोजिटरी शो हो रही है 87। अब गिटहब वगैरह पे ना हमारी पब्लिक रेपोज भी होती है और प्राइवेट भी होती है, जिस तरीके से आप लोग ड्राइव होता है, ड्राइव पे आप क्या करते हो कि कोई लिंक बनाते हो पब्लिक लिंक जिस एक्सेस करते हो पब्लिक, सही है? तो वो जिसके पास भी लिंक जाएगी वो सब हर कोई उसे देख सकता है ड्राइव का, ऐसा ही होता है। बाकी अदरवाइज क्या होता है वो प्राइवेट होती है, सिर्फ आप अपना ड्राइव का मटेरियल कंटेंट आप ही देख सकते हो। तो इस तरीके से रिपोजिटरीज भी क्या बनती है पब्लिक और प्राइवेट। अभी आपको ये 87 शो हो रही है, 87 जो शो हो रही है क्या है ये पब्लिक रेपोज है। मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ रेपोज ज्यादा है, मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे नजर आएंगी वो। अभी ये लॉग इन नहीं हुआ, रैंडम कोई भी मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको कौन सी सिर्फ पब्लिक रेपोज दिखेंगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोई और भी देख सकता है। मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट है मैं पब्लिक रखूंगा प्राइवेट रखूंगा, उसको मैं प्राइवेट रखूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि भाई आ जाओ हर कोई देख लो, सही है? कोई ऐसा काम है जिससे किसी की हेल्प होने वाली है या कोई ऐसा पोर्टफोलियो टाइप जिससे मैं अपने आप को शोकेस करूं, कोई कंपनी आगे देखे या कोई भी मेरी प्रोफाइल देखे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसे पता चले हाँ यार मैं इन चीजों पर काम कर रहा हूँ, तो वो मैं क्या रखूंगा पब्लिक रखूंगा। ये चीज सबको क्लियर है? अच्छा सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, गेट SCM डाउनलोड करना होगा। अभी अच्छा ये जो डाउनलोड कर रहे हैं ये क्या है, मेरा एक तरीके का टूल है जो कि मेरे कंटेंट को अपलोड करने में काम आएगा, कहाँ पे गिटहब पे, ये क्लियर है? गेट जो डाउनलोड कर रहे हैं ये किस लिए, ये अपलोड करने के या फेच करने के जो भी चीज है ये टूल है गिटहब के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे आया गेट, अच्छा इसमें देख लेते हैं पहले ऑलरेडी हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ। अच्छा जी वो डायरेक्ट आप फोल्डर अपलोड कर सकते हो लेकिन वो एक बेस्ट अप्रोच भी नहीं होती और वो कहीं एक हद तक आगे आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, हमें देखना है सारी चीजें, हम ब्रांचेस भी देखेंगे, हमें काफी काम देखना है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कोई भी एक चीज ऐसी पेस्ट मारनी है तो आपने पकड़ के छोड़ दिया ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अदरवाइज हमारा काम ऐसे नहीं होगा। हम इस टूल को पूरा यूज करेंगे, इसकी कमांड्स हमें याद होनी चाहिए, हम जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम नहीं कर रहे होंगे, हमें कमांड्स का पता होना चाहिए, दो बंदों के कोड को आपस में मर्ज कर रहे होंगे तो इन सारी चीजों में हमें कमांड्स का गिट का पता होना क्या है जरूरी है, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं आएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ यहाँ काम आ सकता है आपने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को उठा के ड्रैग कर दिया, अब आपको अपडेट करना है अब आप क्या करोगे, तो ये सारी चीजें फिर डिलीट करोगे या एड फाइल करोगे क्या, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए पूरी कमांड्स पता होना चाहिए। आप यहाँ पे आए सही है, अच्छा मैंने ये नोट किया काफी लोग लैपटॉप नहीं ला रहे तो मसले मसाइल होंगे, क्लास में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा, मर्जी है आपकी और ज्यादा बोल नहीं सकता मैं, ठीक है? डाउनलोड्स में डाउनलोड में वही सिंपल मैक है विंडोज है और लिनक्स है, सही है? तो आप कोई भी इसमें डाउनलोड कर जो आपका सिस्टम होगा वो आप डाउनलोड कर लोगे। अच्छा डाउनलोड करने के बाद ना जो भी चीजें होंगी
जो चेक लगे हुए होंगे वही लगे रहने देना और नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड हो जाएगा ना तो आपके पास किस तरीके का एक, जब आप गेट बैच लिखोगे ना तो आपके पास इस तरीके का एक गेट बैच खुल जाएगा। ये किस तरीके का लग रहा है दिखने में? कमांड प्रॉम्प्ट होता है उस तरीके का लिख रहा है, दिख रहा है? सही है। जब ये इंस्टॉल कर लोगे ना तो गिट हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, गिट की कमांड आ जाएंगी। अब आपकी मर्जी है आप यहाँ पे इसकी कमांड लिखते हो या आप सीएमडी पे लिखते हो या वीएस कोड का टर्मिनल, वीएस कोड का टर्मिनल पता है ना सबको, या आप उस पर लिख सकते हो। तीनों चीजें सेम है, अभी वो मैं दिखा भी दूंगा, तीनों में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। आपका जब ये डाउनलोड हो गया ना, अब आपने क्या करना है, आपकी प्रोफाइल एक तो बनी होनी चाहिए। मैं आ जाता हूँ गिटहब पे, इन चीजों को मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ पे आप साइन अप करोगे और साइन इन करोगे, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जो वॉलंटियर करना चाह रहा है जिसका अकाउंट वगैरह हम बना लेते हैं, कौन ऐसा बच्चा है, मतलब किसी का अकाउंट नहीं बना, मैं उसका अकाउंट यहाँ पे बना लूंगा, आ जाओ। तो अब क्या करते हैं हम, मेरा अकाउंट तो बना हुआ है तो मैं किसी एक बच्चे को बुला लेता हूँ, उसका अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और चीजें देखेंगे कि गिटहब पे हम अपलोड कैसे करें। अकाउंट बना हुआ तो उसको मसला ही नहीं है ना, हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच देख रहे हैं कि जिसका अकाउंट नहीं भी बना हुआ। सही है, हम अकाउंट बना के देख रहे हैं, बैठो। बाकी अकाउंट बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी दिखाई देते हैं ताकि रिकॉर्डेड हो तो आप लोग देख लो बात। सही है, वेलकम टू गिटहब, अपना ईमेल इनपुट करो। ठीक है, ये इनकी ईमेल आ गई, ईमेल इज इनवैलिड और ऑलरेडी टेकन, इस पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है क्या? तो ये इस तरीके का क्यों बोल रहा है, अकाउंट ऑलरेडी हो सकता है बना हुआ होगा। कोई दूसरी ईमेल है? दूसरी ईमेल क्या, शेख तहा एच ए एम डबल ई और डबल ई डी 1998। देख रहे हो कंटिन्यू का बटन आ रहा है, मतलब इनकी पे नहीं बनी हुई। आप आ जाओ, आप देखना अपना क्या मसला है, और अगर बना हुआ अकाउंट तो डायरेक्ट लॉग इन कर लेना, आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा। अच्छा स्पेलिंग देख लो, शेख तहा हमीद 1998@gmail.com। मैंने कंटिन्यू कर दिया, पासवर्ड बताओ, बताना नहीं लिखो। सही है, ये पासवर्ड आ गया, शो कर दो। अच्छा अब आएगा यूजर नेम, यूजर नेम कुछ यूनिक होना चाहिए। सही है, तो यूजर नेम अपना लिखो। यूजर नेम में काफी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे जब अकाउंट बना रहे होंगे, सर यूजर नेम में एरर आ रहा है, हमारा अलाउ नहीं कर रहा। तो भाई थोड़ा सा उसको एरर को पढ़ लेना, वो बोल रहा होगा ये, फिर शुरू हरकत है। नाम क्या है ठीक था वो लिखो, नाम भाई तमीज का होना चाहिए। ये प्रिंस किंग बनी ये सारी चीजें गिटअप और लिंक्डइन पे ना लगाना। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम तो बनी के नाम से बना लेते। शेख तहा 98, ठीक है। अब ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन नहीं था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखू ना अगर बिलाल रहमान 08, अब ये बोलेगा कि भाई यूजर नेम बिलाल रहमान ऑलरेडी मतलब अवेलेबल नहीं है। अब बच्चे मुझे मैसेज करना शुरू कर देंगे, मेरे में एरर आ रहा है, मेरा अकाउंट नहीं बना रहा है। तो भाई थोड़ा दिमाग यूज कर लेना, वो ऑलरेडी है तो अपना कोई यूनिक यूजर नेम लिखो। आपका क्या था, शेख तहा 98 और ये देख 98। और ये वापसी में बोल रहा हूं, नाम तमीज वाला रखना। सही है। अच्छा ये बोल रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, ये वगैरह वगैरह ईमेल पे। हमने कहा नहीं भाई एन। अच्छा अब ये पजल स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट पजल। ये बोल रहा है दो सेम चीजें बताओ कौन सी हैं, मैंने ये बता दी एक। अब इसमें क्या था, लास्ट वन, इसमें माइक सेकंड वन, इसमें फर्स्ट वन।
इसने कहा ठीक है भाई आप रोबोट नहीं हो इंसान हो। मैंने क्या करा, क्रिएट अकाउंट कर दिया। अब आपके पास कोड आया होगा, लॉग इन है ना मोबाइल में। नहीं आया कोड अभी तक, सेम ईमेल बताइए ना। आ गया, क्या है कोड? 7345 1816 1816 7345 7345 1816 1816। ठीक है भाई, इनका अकाउंट बन गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये कॉर्नर पे बना हुआ है प्रोफाइल का सिंबल, यहाँ पे आके योर प्रोफाइल में। अच्छा ये आ गई इनकी प्रोफाइल। अच्छा इसमें क्या है, रिपोजिटरीज है, अकाउंट अभी अभी बना है तो रेपो एक भी नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हुआ हुआ। उसके बाद ये जो चीज है ना, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बताती है कि आपने गिटहब पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट अभी तक किया हुआ है। मतलब आपकी प्रोफाइल में जो भी आप पुश बोलिए सारा पुश वगैरह कर रहे होंगे ना, जितने प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे, कमिट्स होंगे, तो ये उसकी ट्रैकिंग है, उसकी हिस्ट्री बता रहा होगा। ये जितना ज्यादा ग्रीन होगा ना, उतना ज्यादा मतलब आपकी प्रोफाइल क्या है, स्ट्रांग है, मतलब आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, वो एक मुंह बोलता क्या है, सबूत है, सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कब होते हैं देख रहे हो, ये डेट बता रहे हैं, आज क्या है 15 जून है, 15 जून को हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, इनका अकाउंट बना है अभी, तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन में आए, सही है। बाकी देख लो किसी पे भी कोई कलर नहीं था, ये कलर्स है ना, ये कलर्स देखो बता रहे, लेस मतलब कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा काम हुआ है, अगर ये हुआ है तो मतलब कुछ बड़ा काम किया है, बड़ा काम मतलब इन मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिए। अच्छा अकाउंट में वो डार्क ग्रीन दिखाता है, वैसे अगर नंबर ऑफ कमिट्स कम होंगे तो लाइट ग्रीन दिखाएगा, नंबर ऑफ कमिट ज्यादा होंगे तो डार्क ग्रीन। अब अगर आपका इस तरीके से डार्क यहाँ पे डार्क ग्रीन बहुत सारे आ रहे हैं डेली बेसिस पे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप डेली कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे हो गिटहब पे, तो अगर आप कुछ ना कुछ डेली अपलोड कर रहे हो तो आप कोई वहां पे मैथ्स के असाइनमेंट तो करोगे नहीं, सही है, या आप कोई केमिस्ट्री के असाइनमेंट तो करोगे नहीं, आप कोडिंग ही करोगे, कोड ही अपलोड करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके का प्रूफ हो जाएगा। कल को आप इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपकी गिटहब की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है इस मामले में, आपकी मतलब कितनी रेपोज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आज है 15 जून, 1 से 1.5 साल बाद आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, उसने कहा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहा मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, सही है। वो आपसे आपसे सवाल करेगा कि अच्छा आपने क्या क्या बनाया भाई, आपने क्या क्या किया भाई, सारी चीजें। अब आप अगर उसको अपनी गिटहब की प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दोगे तो वो देख सकता है आप 15 जून 2023 से काम करते हुए आ रहे हो, सही है। तो ये आपकी एक प्रोफाइल क्या होगी, मुंह बोलता सबूत होगी कि वो देख के चीजों को देख सकते हैं, यार इस बंदे की प्रोफाइल है, इस बंदे ने ये काम 2023 से किया हुआ है और इसके डेली का कंट्रीब्यूशन ये आ रही है कि ये रोज कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा था, कुछ ना कुछ, ये भी नहीं कि कुछ भी अपलोड कर दो, कोई वैलिड प्रोजेक्ट्स हो तो ये सारी चीजें। तो ये क्या होगा आपका, जितनी नंबर ऑफ रिपोजिटरी ज्यादा होंगी या ये काम आपने किया हुआ होगा तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा होगा, ये चीज क्लियर है। तो अब इनकी प्रोफाइल तो बन गई है, अब यहाँ पे ना रिपोजिट एक इसको अभी खैर छोड़ते हैं, मैं आ जाता हूँ इधर। पहले ये बताओ गिटहब समझ आ गया, ये सारी चीज आ गई, हमारा अकाउंट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, आज क्लास 3 है ना, मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ class 3 dart के नाम से, सही है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ VS Code में, अच्छा VS Code का इधर ऑप्शन नहीं दे रहा तो मैं VS Code से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ आया, फाइल पे आया और मैंने क्या किया, ओपन फोल्डर, फोल्डर कहाँ बनाया था मैंने, डेस्कटॉप पे, तो मैं आता हूँ इधर डेस्कटॉप पे,
क्लास थ्री डार्ट के नाम से बनाया था, ये मैं आके फोल्डर मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अच्छा खैर अभी इसको भी छोड़ दो, हमने अभी तक क्या किया, गेट इंस्टॉल की पहला काम, दूसरा काम क्या किया, अपना अकाउंट बना लिया। अच्छा अब तीसरा काम हमें क्या करना है, ये जो अभी कर रहा हूँ इसको छोड़ दो, इसमें मैं ये देख रहा हूँ ऑलरेडी किसी का लॉगिन तो नहीं हुआ, यहाँ पे किसी और का गिटअप लॉगिन हुआ है, मोहम्मद सात का, हम इसको रिमूव कर दें। सही है, अब आपका अपना सिस्टम होगा ना, सबके अपने सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम में देखो हमने अकाउंट तो बना लिया कहाँ पे, गिटअप पे, वो रिमोट हो गया है, मतलब वो ऑनलाइन चीज पे बन गया। अब मुझे अपने सिस्टम में अपना अकाउंट कनेक्ट करना है, सही है, अपना अकाउंट उसको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिस्टम से कोई चीज गिटअप पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम को पता होना चाहिए ना कौन सा यूजर इस पे लॉग इन हुआ हुआ है, मैं अपलोड कर रहा हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि इनकी आईडी से जा रहा है, किसी की भी आईडी से जा रहा है, अपलोड के लिए उसे पता होना चाहिए कि किस आईडी से ये कोड अपलोड हो रहा है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टाइम जैसे हमने फ्लटर डाउनलोड की थी, तो फर्स्ट टाइम हमने कौन सी मतलब क्या काम किया था, सिर्फ फर्स्ट टाइम जो किया था वो बार बार हम नहीं करते, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था, सिर्फ फर्स्ट टाइम किया था, बार बार किया था वो, अब जरूरत पड़ती है उसकी नहीं पड़ती। तो इसी तरह गिटहब के लिए मतलब गिट के लिए हमें अपना लॉगिन बताने के लिए, अपना अकाउंट विंडोज में कनेक्ट करने के लिए हमें दो कमांड चलानी होंगी, जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी होगी, उसके बाद दोबारा कोई हर दफा उसको लिखने ना बैठे। सही है, वो दो कमांड्स क्या होंगी, मैं इधर आता हूँ, मैं सीएमडी पे भी लिख सकता हूँ, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, मैंने सीएमडी खोला, मैं लिखूंगा पहले नोटपैड पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, इसको बताता हूँ क्या कर रहा है, यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा यूजर नेम। सही है, फिर एक कमांड चलानी है गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा ईमेल। अच्छा ये दो कमांड मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ चलानी है जब मैं अपना अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ गिट का अपने सिस्टम में, एक बार हो गया मुझे बार बार चलाने की अब जरूरत नहीं है। हाँ अगर मैं अपना अकाउंट चेंज कर रहा हूँ तो जैसे मैंने क्रेडेंशियल से जाके वो किसी टीचर का अकाउंट अभी हटाया था तो फिर मुझे वो हटाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ इस कमांड को करता हूँ कॉपी, और मैं सीएमडी पे आगे क्या कर देता हूँ, कॉपी नहीं हुआ क्या, मैंने किया कॉपी और इधर आया सीएमडी पे कर दिया पेस्ट। यूजर नेम की जगह मैं इनका यूजर नेम लिखूंगा, यूजर नेम हमने क्या रखा था शेख ताहा 98, ऐसा ही था। मैंने क्या करा गेट कॉन्फिग माइनस डैश डैश ग्लोबल, डैश डैश ग्लोबल से क्या हुआ ये पूरे सिस्टम में ग्लोबली क्या हो गया सेट हो जाएगा। यूजर डॉट नेम, यूजर नेम मैंने जो इनका था वो मैंने इंटर किया, इनका नाम सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ईमेल के लिए करूंगा डैश डैश यूजर डॉट ईमेल, ईमेल क्या है आपकी शेख ताहा हमीद 1998@gmail.com, देख लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, मैंने ये भी इंटर कर दिया, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए मैंने क्या कर दिया इनका नेम और इनकी ईमेल इनपुट कर दी, जो कि सेट हो गई ग्लोबली पूरे सिस्टम में, इसको मैंने हटा दिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अभी हमने पासवर्ड वगैरह इनपुट नहीं किया, हम दो तरीके से ऑथेंटिकेट करते हैं, जब हम पुश कर रहे होते हैं तो वो बोलते थे साइन इन विद ब्राउजर कर लो, या तो वो हमें पासवर्ड की कमांड डालने के लिए हमें टोकन जनरेट करना पड़ता है, अभी हमने टोकन नहीं देखा उसको, अभी हम हटाते हैं, पासवर्ड नहीं डालते, खैर हमने जो पासवर्ड गिटअप का रखा है ना वो नहीं रखते हैं, हम टोकन जनरेट करते हैं, अगर वो मसला आता है तो मैं टोकन बता दूंगा किस तरह जनरेट होता है। अभी हम सिंपल ये देख लेते हैं, ये काम हो गया हमारा, ये फर्स्ट टाइम का काम था, इसको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरा क्या हो गया अकाउंट सेटअप हो गया है अभी फिलहाल के लिए, अभी सिर्फ पासवर्ड वाला काम नहीं हुआ, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ बना लिया, अब इस प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल वीएस कोड पे आया ना, तो वीएस कोड पे मैंने यहाँ पे बना ली एक क्लास वन डॉट डार्ट
दूसरी बना ली क्लास टू डॉट डार्ट, अरे यहाँ पे आया क्लास टू डॉट डार्ट, ये चीज क्लियर है। सिंपल फाइल बनाई है, मैं यहाँ पे आता हूँ वाइट मेन और यहां लिख देता हूं प्रिंट क्लास वन फाइल, ठीक हो गया। और इसको मैंने किया कॉपी, यहां पे आया क्लास टू डॉट डार्ट में, यहां लिख दिया क्लास टू डॉट मतलब क्लास टू फाइल। अब ये कोड मेरा कहां पे रखा हुआ है, ये सिर्फ मेरे सिस्टम में। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम उड़ जाता है, विंडो उड़ जाती है, तो मेरा कोड गया। अब मुझे इस कोड को कहाँ अपलोड करना है, गिटहब पे अपलोड करना है। तो अब मेरा सिस्टम में तो प्रोजेक्ट बना हुआ है, सही है। अब मुझे क्या करना होगा, गिटहब पे भी एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो गिटहब पे रिपोजिटरी बनानी होगी जो मैंने बताया था। मैं यहाँ पे गिटहब पे आता हूँ, ये प्लस का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सही है। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इस पे क्लिक किया, क्या आ रहा है न्यू रिपोजिटरी। मैंने न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किया, इसने कहा क्रिएट करो एक न्यू रिपोजिटरी। उसमें क्या क्या पूछ रहा है, रिपोजिटरी का नाम, मैंने क्या नाम रख दिया क्लास थ्री, फ्लटर क्लास थ्री रख देता हूँ, फ्लटर क्लास थ्री नाम रख दिया, सही है। अब ये बोल रहा है प्राइवेट बनानी है या पब्लिक बनानी है, मैंने अभी क्या रखी, पब्लिक रखी। इसने कहा रीडमी फाइल ऐड करनी है नहीं करनी। रीडमी फाइल क्या होती है कि मैं उसमें प्रोजेक्ट में बताऊं कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, तो अभी हम इस चीजों को नहीं देख रहे। मैं सिंपल आता हूं, क्या करता हूं, क्रिएट रिपोजिटरी। अब ये जब मैंने क्रिएट रिपोजिटरी की ना, देख रहे हो मेरी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अच्छा, जब रिपोजिटरी क्रिएट कर दी तो ये बता रहा है क्विक सेटअप, ये कुछ चीजें बता रहा है कि न्यू रिपोजिटरी पे हम क्या क्या करेंगे। अभी हम इस कमांड्स को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम इधर आते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर आया मैं, टर्मिनल मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अच्छा, मैंने बताया था टर्मिनल में कुछ भी लिखूं या सीएमडी में कुछ भी लिखूं, एक ही होता है काम। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास टू डॉट डार्ट रन करनी है, मैं अगर कमांड से करूं तो मैं क्या लिखूंगा, डार्ट रन क्लास टू डॉट डार्ट, मतलब डार्ट रन लिखता हूँ और फाइल नेम, मैंने एंटर कर दिया। तो देखो इसने ये रन कर दिया और मेरे पास क्लास टू फाइल आ गया जो कि प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं सी एम डी से करना चाह रहा था, वो मैं कैसे करूंगा, सी एम डी पे जाऊंगा। अभी सी एम डी का पाथ क्या है, सैलानी। अब मैं किस मेरा फोल्डर कहाँ पे रखा हुआ है, वो डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कैसे आऊंगा, सी डी डेस्कटॉप, ऐसा ही है। अब डेस्कटॉप में आ गया। अब मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, सी डी क्लास थ्री, क्लास थ्री था नहीं, क्लास थ्री डार्ट था कुछ। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब प्रोजेक्ट के अंदर आगे मैं क्या कमांड रन करूंगा, डार्ट की, डार्ट रन क्लास वन डॉट डार्ट। देखो इसने भी वही प्रिंट किया। तो बताने का मकसद ये था, टर्मिनल पे करो या सीएमडी पे अलग से खोल के करो, दोनों काम क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम वीएस कोड से करेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही होगी, सारी चीज होगी। तो इसलिए मैं क्या प्रिफर कर रहा हूँ कि आप लोग इस पे करो, वीएस कोड पे करो। अच्छा, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा टर्मिनल आ गया। अभी अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, ये क्या है, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, नॉर्मल फोल्डर बना हुआ है और इसमें मेरे पास क्या बनी हुई है, दो फाइल्स बनी हुई है, ऐसा ही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं हुआ हुआ, और जो मैंने वहां पे रिपोजिटरी बनाई है वो इससे कनेक्टेड है नहीं है, वो एक अलग है। मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ, उस रिपोजिटरी पे ये वाला कोड रखना चाह रहा हूँ, अचीव टारगेट मेरा ये, ठीक है। लेकिन अभी आपस में कोई भी कनेक्टेड नहीं है और ये मेरा एक क्या है, सिंपल प्रोजेक्ट है। अब इसको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के पाथ में, इसका भी पाथ क्या आ रहा है, क्लास थ्री ना, जो हम उसके अंदर गए थे फिर हमने रन किया था। अगर मैं इसके पाथ में रन फाइल में कहीं और रन करूं तो वो रन होगी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, CMD ऐसी खोलता हूं और मैं लिखूं डार्ट रन क्लास वन डॉट डार्ट, ये रन नहीं होगी, इसे फाइल मिलेगी नहीं, क्यों ये, या मैं CD डेस्कटॉप में आऊं और वहां पे मैं रन करूं डार्ट रन क्लास वन डॉट डार्ट, इसका मतलब क्या, ये डेस्कटॉप पे इस फाइल को ढूंढ रहा है, सही है। ये इस फोल्डर डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई थी नहीं थी, ये फाइल कहाँ थी, क्लास थ्री डार्ट के अंदर थी, सही है।
तो मैंने क्या करा, उस फोल्डर में आऊंगा जब भी वो फाइल मिलेगी और जब भी रन होगी। तो मैं अगर इस प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट डिफाइन कर रहा है, मैं करूंगा गेट इनिट। इनिट का मतलब क्या है, इनिशियलाइज होना। इस फोल्डर में क्लास 3 डार्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, गेट इनिशियलाइज। तो फिर मैं गेट की कोई भी कमांड्स लिखूंगा तो वो उसे एक्सेस करेगा। मैंने कह रहा गेट इनिशियलाइज, इसने कहा इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी के कहां पे, इसने बात बता दिया कि डार्ट के अंदर क्लास 3 डार्ट में इसने एक फाइल जनरेट कर दी है एम्प्टी फाइल गेट इनिट की। गेट इनिट से क्या हुआ, गेट हमारे पास इनिशियलाइज हो गया मेरे किसमें, फोल्डर में। ये बात समझ आई, इनिशियलाइज हो गया मतलब उसको पता चल गया ये गिट की ये क्या है, रिपोजिटरी है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, मैंने गिट इनिशियलाइज तो कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके गिट, एक हमारे पास कमांड, मैं भी ना सारी कमांड्स बता दूंगा और फर्स्ट स्टेप में फौरन समझ नहीं आएगा, 2-3 बार हम इसको करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा सबसे पहले, मैं नोटपैड खोलता हूँ, ये दो कमांड कब की थी मेरी, फर्स्ट टाइम की। अब इसे करना है कुछ नहीं करना। अब फॉर, मैं करता हूँ फॉर न्यू प्रोजेक्ट, मुझे पहली कमांड क्या चलानी होगी, गेट इनिट। गेट इनिट क्या करेगा, गेट को इनिशियलाइज कर देगा प्रोजेक्ट फोल्डर में। क्लियर है सबको, गेट इनिट ये करेगा। अब मैं आ जाऊं, मैं सेकंड कमांड पे आता हूँ। ये इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, ये कमांड लिखे ना तो कोई काम नहीं होता, ये जस्ट हमें चेक करने के लिए होता है। हम किसी चीज का स्टेटस चेक करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट स्टेटस। मैं इसमें नहीं लिख रहा वरना आप लोग इसको भी लाजमी स्टेप समझ लो। ये जो स्टेप होता है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं लिखूँ गेट स्टेटस, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा स्टेटस क्या है फाइल्स का, तो ये क्या बोल रहा है, ये दो फाइल दिखा रहा है, किसमें रेड दिखा रहा है और ये क्या है, अनट्रैक्ड फाइल्स है। अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब ये ऐड नहीं हुई, सही है। हमें कोई भी फाइल को क्या करना होता है, ऐड करना होता है और फिर हम क्या करते हैं उस पर कमिट अप्लाई करते हैं, उसका मैसेज बताते हैं कि इस फाइल का मतलब जो हमने काम किया है, इस फाइल में काम क्या हुआ है। तो अभी तो हमने सिर्फ क्या किया था, एक प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज किया था, इसके अलावा कुछ किया था नहीं किया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मेरे पास कमांड्स होती हैं, पहली कमांड हमने गेट एड इनिट की थी, दूसरी हम कर सकते हैं गेट एड डॉट, और लाजमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ सही है कि और दूसरी कमांड क्या कर सकते हैं, कहीं पता चले और पूरी ये कमांड एक साथ लिख रहे हो, या लिख देता हूँ या, ताकि बोलो और सही है, गेट एड डॉट या कौन सी कमांड कर सकते हैं, कहीं ये भी लिख दिया, या चार ए लगाने या पे पांच ए लगाने, हाँ गेट एड फाइल नेम। अच्छा, गेट एड डॉट क्या करेगा और गेट फाइल नेम क्या करेगा, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी सिर्फ ये वाली फाइल को क्या करूं, ऐड करूं। अच्छा, अभी एक चीज समझ नहीं आई, एक तो इन्होंने कलर ब्लेंड जो होगा ना उसे तो नजर ही नहीं आएगा, इसका मैं पहले कलर क्या कर देता हूं, थीम में आए, कलर थीम में आए और यहाँ पे आ गए डार्क। ये फाइल्स कैसी शो रही होती हैं, ग्रीन शो रही होती हैं। एक काम करते हैं ना, इसको मैं हटाता हूँ ताकि मैं शुरू से दिखाऊं, वरना ना समझ नहीं आएगा। इधर आता हूँ व्यू पे और गेट की जो शो हिडन आइटम्स देख रहे हो, जो गेट हम इनिट करते हैं ना उससे क्या जनरेट हो जाता है, एक गेट फोल्डर जनरेट हो जाता है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सही है, वो हिडन होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता। मैं आके दोबारा से क्या करता हूँ, अभी समझो गेट इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो गेट का इनिशियलाइज गेट इनिट से जो मैंने कमांड चलाई थी उससे एक फोल्डर जनरेट हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब मुझे गेट इनिट दोबारा चलानी पड़ेगी, सही है। वैसे जब भी एक बार इनिशियलाइज होता तो दोबारा नहीं चलाते, लेकिन अभी हमने क्या किया, गिट का फोल्डर डिलीट कर दिया। वो किस वजह से मैं बताता हूँ, अभी मैं इसको दोबारा से आता हूँ वीएस कोड में, मैं मेरा कोड खुला हुआ है, मेरी फाइल्स देखो किस तरीके की आ रही हैं,
वाइट आ रही है। मैं अच्छा अभी ये मेरा गिट का रिपोजिटरी भी नहीं है, ऐसा ही है। गिट की रिपोजिटरी कब हो जाएगी, जब मैं यहाँ पे कर दूंगा गिट इनिट। मैंने जैसे ही गिट इनिट किया, इसने कहा इनिशियलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी। जैसे ही ये हुआ, ये दोनों फाइल्स का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अच्छा अब इस ग्रीन का मतलब क्या है कि भाई ये फाइल जो है ना आपके प्रोजेक्ट में न्यू फाइल्स हैं, जो कि हमारे पास गिटहब पे अपलोड नहीं हुई। सही है, ये फाइल्स मेरे पास गिटहब पे अपलोड हुई हैं अभी नहीं हुई है, तो इस ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ये बिल्कुल न्यू फाइल्स हैं जो कि मेरे पास गिटहब पे अपलोड नहीं हुई हुई। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें ऐड करूंगा। अगर मैं करता हूं यहां पे आके गेट एड डॉट, एक थी एड डॉट और एक थी गेट एड और फाइल नेम। फाइल नेम क्या, क्लास वन डॉट डॉट डाल सकता हूँ, क्लास टू डॉट डॉट डाल सकता हूँ। मतलब कोई स्पेसिफिक फाइल करनी हो तो उसका फाइल नेम बता दूंगा, और अगर डॉट कर रहा हूँ ना तो जितनी भी उस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं वो सारी को क्या कर देगा, एड कर देगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, गेट एड डॉट करता हूँ। बस एक मिनट, हो गया, यहाँ पे आया। इसको पहले मिटाता हूँ, गेट स्टेटस चेक करता हूँ क्या हो रहा है, गेट स्टेटस क्या आ रहा है, अनट्रैक्ड आ रहा है। दोनों फाइल्स क्या है, रेड हुई है। मैं करता हूँ गेट एड डॉट। अब मैं दोबारा स्टेटस चेक करूँ, चेंजेस टू बी कमिटेड। अच्छा दोनों फाइल का कलर क्या हो गया, ग्रीन। मतलब अब जो मैं कमिट करूंगा वो कमिट किस पे अप्लाई होगा, जो फाइल एड हुई है। एड कौन सी हुई थी, दोनों हुई थी। अच्छा कमिट क्या होता है, कमिट में ना मैं अपना मैसेज बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये कोड, जाहिर सी बात है मेरा गिटहब पे अपलोड हो रहा होगा तो वहां पे कोई मैसेज भी जाएगा। मैं मैसेज लिखूंगा कि यार मैंने इस बार जो अपलोड किया है, इस बार मैंने कोड में क्या काम किया था, मैंने हो सकता है प्रोजेक्ट सेटअप किया था या मैंने कोई फीचर ऐड किया था। इस तरीके से हम अपने ट्रैकिंग के लिए, ताकि हम जब कमिट की हिस्ट्री देखते हैं ना वहाँ पे, तो हमें सब पता चलता है कि यार मैंने कौन से वेरिएबल्स की तरह, समझ लो वेरिएबल्स का अलग से नाम, अजीब सा नाम लिखूंगा एबीसी, तो मैं उसे समझ पाऊंगा कि मेरा एबीसी में क्या हुआ है। तो कमिट के मैसेज को भी हम इसी तरह प्रॉपर लिखते थे, मैंने काम क्या किया है। अच्छा ये कमांड क्या होती है, मैं इधर आया, गेट कमिट माइनस एम, और यहाँ पे आता है मैसेज। अब मैसेज क्या है, जो भी मैंने उस कमिट में काम किया हो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ गेट कमिट माय डैश एम। मैसेज लिख देता हूँ मैंने क्या किए, दो फाइल्स ऐड किए, कौन कौन सी, एड क्लास वन डॉट डॉट एंड क्लास टू डॉट डॉट। मैंने अपने मैसेज में बताया मैंने दो फाइल्स क्या किए, ऐड किए, और उन फाइल्स का नाम बता दिया, ताकि जब मैं हिस्ट्री में देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा हो इस कमिट में मैंने ये काम किया है। मैं कर देता हूँ इंटर, देखो गेट कमिट लिखा स्पेस माइनस एम फॉर मैसेज, और फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में अपना मैसेज लिख दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद क्या हुआ, वो जो ग्रीन कलर था वो क्या हो गया, वाइट हो गया। अब कमिट किस पे अप्लाई हुआ, जो दोनों फाइल्स ऐड हो चुकी थी। अब मैं स्टेटस चेक करूं तो स्टेटस क्या आ रहा है, नथिंग। अच्छा अभी भी ये पुश नहीं हुई है वहां पे, क्योंकि अभी ये मेरे सिस्टम में रेडी टू क्या हो गई, रेडी टू पुश हो गई। अब जो मैं पुश करूंगा ना, वो मेरी कौन सी फाइल्स पुश होंगी, जो कमिट हो चुकी हैं, कमिटेड जिन पे मैसेज आया हुआ है, वो मेरी फाइल्स क्या होंगी, पुश होंगी। अच्छा अब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए मैंने प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम के लिए मैं कौन कौन सी कमांड चलाऊंगा, एक गेट इनिट, बाकी दो फाइल्स में, दोनों कमांड्स में मैंने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ ये फर्स्ट टाइम चलाऊंगा, ये मुझे बार बार भी चलानी होगी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किस पे बोला है, गेट इनिट पे बोला है। दूसरा अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये भी एक प्रोजेक्ट के लिए, एक रेपो के लिए क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट कनेक्ट हुआ है यहाँ पे भी, और गिटहब पे भी, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे, मेरी गिटहब पे क्या हो सकती है, मल्टीपल रिपोजिटरीज हो सकती है। मैं यहाँ से कोड अपलोड करूंगा तो कौन सी रेपो में जाएगा, ये मुझे उसे बताना पड़ेगा ना, है ना, ऐसा तो नहीं वो किसी भी रेपो में चले जाएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा, इधर कमांड्स देखो इन्होंने कौन सी बताई हुई थी, गेट इनिट हमने देख ली, फिर बताई हुई थी गेट एड रीडमी, रीडमी को छोड़ो, रीडमी वगैरह हमने उसको क्या देखा, गेट एड डॉट किया या तो फाइल नेम, तीसरी गेट कमिट की आ गई। अच्छा चौथी है ब्रांच की,
ब्रांचेस पे अभी हम नहीं जा रहे, ब्रांचेस थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उसको हम देखेंगे आगे चल के डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस का होता है जब मल्टीपल डेवलपर्स एक रेपो पे काम कर रहे होते हैं, अभी हम मल्टीपल डेवलपर्स नहीं कर रहे, अभी जो हम काम करेंगे वो क्या है, आप लोग इंडिविजुअल अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे सारी चीजें, तो अभी हम ब्रांचेस पे नहीं जा रहे। ये क्या कर रहा है, खैर इसको देख ले, गेट ब्रांच माइनस एम मेन, ये मेन के नाम की ना क्या बना देगा, एक ब्रांच क्रिएट कर देगा, तो अभी हम इसको नहीं देख रहे। बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी ब्रांच होती है, मास्टर की ब्रांच बनी हुई होती है, अभी हम इस वाली कमांड को रन नहीं कर रहे, लेकिन अब हम कौन सी कमांड रन करेंगे, गेट रिमोट एट ओरिजिन, उसका ओरिजिन बताएंगे, ये लिंक किसका है, मेरी रिपोजिटरी का है, क्लियर है। तो अगर मैं ये कमांड रन करूंगा तो मेरा ये गिटहब का प्रोजेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, मेरी इस रिपोजिटरी से। अब जो मैं अपलोड करूंगा वो अपलोड होगा रिपोजिटरी पे, मैंने गिट एड रिमोट ओरिजिन किया और इंटर कर दिया, अब ये कमांड क्या हो जाए, ये वाली रेपो इसके साथ क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब लास्ट काम जो मेरा है ना, लास्ट काम अब मुझे करना है पुश, पुश का मतलब अपलोड, अपलोड मेरा कौन सा काम होगा, जिसपे मेरा कमिट अप्लाई हुआ है, फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ वाली कमांड चलानी होगी, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन, ये जो बता रहा हूँ ना, ये मैं ब्रांच का नाम बता रहा हूँ, मैंने कहा बताया ब्रांच का नाम, डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी होती है, मास्टर की होती है, इसने मेन लिखा हुआ है, मेन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसने इस कमांड से मेन की ब्रांच क्या की थी, क्रिएट की थी, हमने तो नहीं की, हम क्या करें, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, इंटर कह दिया। अच्छा अभी बताता हूँ फर्स्ट टाइम क्या काम है, सेकंड टाइम क्या काम है, जैसे मैंने इंटर किया ना, इसने मुझे साइन इन कनेक्ट करने बोल दिया, अभी तक मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेट किया था नहीं किया था, अब मैं पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ मतलब अपलोड कर रहा हूँ रिपोजिटरी पे, तो वो बोल रहा है भाई पहले ऑथेंटिकेट तो कर लो, ऐसी किसी की भी रिपोजिटरी पे कोई भी अपलोड तो नहीं कर सकता, तो मैंने किया साइन इन विद ब्राउजर, ब्राउजर पे मेरा अकाउंट खुला हुआ था, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया ऑथराइज, यहाँ पे मेरा अकाउंट खुला हुआ है, इसने कहा जाओ, मैं यहाँ पे आया, देख रहे हो ये कमांड्स हुई और ये मेरा मास्टर की ब्रांच में क्या हो गया, कोड अपलोड हो गया, मैं इधर आके देखता हूँ, यही थी ना, इसको रिफ्रेश किया, क्लिक किया, फ्लटर क्लास थ्री में कौन कौन सी फाइल्स आ गई, क्लास वन डॉट डॉट और क्लास टू डॉट डॉट, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कमिट लिखा हुआ आ रहा है, कमिट क्या, जो मैंने लिखा था कि मैंने इस वक्त पुश करते वक्त मैंने क्या काम किया है, मैं अगर कमिट हिस्ट्री में हूँ कितने कमिट किए अभी मैंने, एक ही कमिट किया है, वो कमिट में बता रहा है कि एड क्लास वन एंड क्लास टू, मैं उसमें गया तो वो मुझे सब बता रहे हैं कि क्लास वन में ये काम आया है और क्लास टू में ये काम अपलोड हुआ है, और मैं वैसे ही देखना चाहूँ तो क्लास वन डॉट डार्ट में गया, यहाँ पे मेरा ये काम अपलोड हो गया, सही है। अब ये तो मैंने कर दिया, यहाँ पे अगर मैं आऊं, मैंने कौन कौन सी कमांड चलाई, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर, अच्छा यहाँ पे कोई मिसिंग तो नहीं है, अच्छा रिमोट एड ओरिजिन वाली कमांड मिसिंग है, यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, ये पूरा नहीं लिखना ओरिजिन में, ये काम जो नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, रेपो लिंक, सही है। अच्छा ये एक बार हो गया, अकाउंट सेटअप के लिए एक कमांड चलानी है, ये क्लियर है सबको, न्यू प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे ये पांच कमांड चलानी होगी। अच्छा ये जो कमांड है ना, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी है, प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट में जब मैं गेट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एक बार इनिशियलाइज हो गया, बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, एड कमिट और पुश की हमें कमांड क्या चलनी होगी, अब जब हम कोई अपडेट करते रहेंगे, अभी हम देखते हैं, तो हमें करनी होगी रिमोट एड ओरिजिन की भी, एक ही टाइम एक ही बार कनेक्ट करोगे ना, बार बार कनेक्ट करते रहोगे, तो ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये कर दिया। अब मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट में अपडेट करनी है, फॉर प्रोजेक्ट अपडेट, अब समझो मैंने यहां तक काम कर लिया था, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, सही है। अब मैं आया, मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट एक और लाइन की, क्लास टू डॉट फाइल, इसको मैंने ये लिख दिया,
अच्छा ये लिखने के बाद एक चीज और की आपने, क्या हुआ? ये जो फाइल थी येलो हो गई। अब ग्रीन का मतलब क्या था? न्यू फाइल है, गिटहब पे अपलोड ही नहीं हुई। येलो का मतलब है कि ये फाइल अपलोड तो हुई हुई है लेकिन इसका कुछ कंटेंट यहाँ पे अपडेट हुआ है, इसका कुछ अपडेटेड कंटेंट अपलोड नहीं हुआ। क्लियर हुआ? ग्रीन पूरी अपलोड नहीं हुई, बिल्कुल नई फाइल है। येलो अपडेट अपलोड हुई हुई है लेकिन इसका कुछ कंटेंट अभी अपडेट हुआ है वो अपलोड नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँ, क्या बनाऊ? क्लास 3.dart, ये क्या आएगी? ये आएगी ग्रीन। क्लास 3.dart गिटहब पे अपलोड हुई हुई थी? नहीं हुई हुई थी, इसलिए ये क्या आ गई? ये पूरी ग्रीन आ रही है, सही है। क्लास 2.dart अपलोड हुई हुई थी? हुई हुई थी, लेकिन उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो मॉडिफिकेशन स्टैंड फॉर एम यहाँ पे आ रहा है येलो हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ है जो कि अपलोड नहीं हुआ हुआ। क्लास 1 क्या था? अप टू डेट थे, ये पूरा अपडेट मतलब ये अपलोड भी हुआ और इसमें कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ जो अपडेटेड हो। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूं, गिट स्टेटस क्या बता रहा है? फाइल अनटैग्ड कौन सी है? क्लास 3, ये अनटैग्ड फाइल है। अगर मैं कर दूं गिट एट डॉट, अब मैं स्टेटस चेक करूं कौन कौन सी फाइल्स पे, ये क्या बोल रहा है? दो फाइल पे अब कमिट होगा। अब ऐड कौन सी हुई है? दो फाइल हुई है। दो फाइल ऐड क्यों हुई है? क्योंकि एक में मॉडिफिकेशन हुई हुई है और एक में बिल्कुल न्यू है। अब मुझे ये दोनों फाइल क्या करनी है? मैंने ऐड डॉट किया था, मैंने क्या बोला था? ऐड डॉट। और क्लास वन को क्यों नहीं किया? क्लास वन ऑलरेडी अप टू डेट था, तो उसे तो वो अब दोबारा से अपलोड नहीं करेगा। उसने किस पे किया? जिसमें मॉडिफिकेशन हुई थी या जो न्यू फाइल थी। मैंने ऐड डॉट किया तो उसने क्या क्या बोला? ये दोनों फाइल्स आपके पास रेडी है, किसके लिए? कमिट के लिए। अब अगर मैं कमिट अप्लाई करूंगा, कौन कौन सी फाइल्स पे कमिट अप्लाई होगा? क्लास 2 पे और क्लास 3 पे। मैं कमिट लिख देता हूँ गेट कमिट माइनस एम, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि क्रिएट क्लास 3.dart एंड अपडेट क्लास 2.dart। अच्छा आप लोग ने ऐसे कमेंट्स नहीं लिखने होंगे, हम लोग फीचर वाइज कमेंट लिखते हैं। अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम लोग को काम किस तरह समझ आ रहा है। इंटर कह दिया, गेट स्टेटस चेक करूं, अब नथिंग टू कमिट, सही है, क्योंकि ऑलरेडी अब कमिट हो चुका है। अब बताओ मैं पुश करूंगा तो मेरा ये पुश हो जाएगा? अब मुझे ना पूरा पुश लिखने के साथ माइनस यू ओरिजिन मास्टर नहीं लिखना, क्योंकि अब उसे ब्रांच मेरी पता है कौन सी है, मास्टर। मैं क्या लिखूंगा? गेट पुश किया, मैं इधर आता हूं, इसमें आया, देखो क्लास वन पे कमिट अप्लाई हुआ था? नहीं हुआ था, उस पर प्रीवियस कमिट का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। किस किस पे अप्लाई हुआ था? क्लास 2 और 3 पे अप्लाई हुआ था, तो उन पे देखो ये वाला मैसेज लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने कमिट पे मैसेज लिखा था। मैं क्लास 2 में जाऊं, ये भी लाइन अपडेट हो गई, क्यों? मैंने पुश कर दिया। और क्लास 3 में जाऊं अगर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई कोड नहीं लिखा था। अच्छा अगर अब मैं हिस्ट्री में हूं तो मेरे पास कितने कमिट आ रहे हैं? दो। एक बोल रहा है कि आपने एक वाला कमिट किया था क्लास 3, इस वाले कमिट में मैं देखता हूँ मैंने क्या किया था, तो ये सारी हिस्ट्री आ रही होती है। इस वाली कमिट में मैंने क्लास 2.dart में एक लाइन ऐड की थी, वो बता रहे, और एक नई फाइल ऐड की थी एम्प्टी फाइल क्लास 3.dart। ये चीजें क्लियर है? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा इधर आता हूँ। अब मुझे जब प्रोजेक्ट अपडेट करना है कौन कौन सी तीन कमांड चलानी है? गेट ऐड की, गेट कमिट माइनस एम, और यहां मैसेज, और सिंपल गेट पुश। अब मैं पूरा क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अब मुझे ब्रांच पता है कौन सी ब्रांच सिलेक्टेड है। अच्छा ये तो हो गया, और स्टेटस क्या चेक करने के लिए होता है? मैं इधर आया, अब मैं एक काम करता हूँ, वो काम क्या मैंने क्या प्रिंट किसमें आया? क्लास 1 अपडेट, ये लिख दिया, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, क्या करता हूं गेट एड डॉट, अब क्या करूंगा गेट कमिट, मैसेज बताऊंगा ना, यहां पे लिखा अपडेट क्लास 1.dart, ये कर दिया मैंने, कमिट कर दिया।
मैं आता हूँ क्लास टू में या क्लास थ्री में आता हूँ। मैंने क्या किया, वाइड मेन सिंपल यहाँ पे आगे ये कोड लिख दिया। अभी मैं क्या कर दूँ, गेट पुश, गेट पुश किया, तो अब बताओ ये चीज मेरी पुश हुई होगी? नहीं हुई होगी। वजह, मैंने पहले ऐड किया था क्या, जो मैंने क्लास वन में अपडेट किया है काम, फिर मैंने उसको कमिट कर दिया, तो मेरा कमिट किन चीजों पे अप्लाई हुआ, प्रीवियस पे। अब जब मैंने पुश किया ना, मैं इधर आके देखता हूँ, सही है, मैंने इसको क्या किया, रिलोड किया क्लास वन में, देखो इसने कह दिया अपडेट क्लास वन, मैं इधर आया, अपडेट हुई है। लेकिन मैंने एक और काम किया क्लास थ्री में, क्लास थ्री में कोड लिखा हुआ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐड और कमिट करने के बाद पुश किया, मतलब उस फाइल में अपडेट किया है। ये फाइल अभी भी येलो और चीख चीख के क्या बता रही है कि ये मॉडिफाइड हुई है, लेकिन इस पे ऐड, ये ऐड भी नहीं हुई ना इस पे कमिट अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने पहले ऐड कर दिया था और कमिट कर दिया था, उसके बाद हमने इस फाइल में क्या की, चेंजेस की। तो पुश किसको करेगा, वो जो ऐड हुई होगी और जिसपे कमिट अप्लाई हुआ होगा। अब अगर मुझे इसको भी करना है, मैं क्या करूंगा, गेट ऐड डॉट गेट कमिट माइनस एम, और कमिट का नाम क्या है, मैं बोल दूंगा क्लास एड मेन फंक्शन इन क्लास थ्री डॉट डार्ट। मेन का फंक्शन मैंने ऐड किया किसमें, क्लास थ्री डॉट डार्ट में, मैंने इंटर किया। अब अगर मैं पुश करूंगा तो ये चले जाएगा। अब मैं इधर आया, मैंने इसको यहाँ पे आके देखा, और ये क्या हुआ भाई, अपडेट हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि अगर मुझे अपडेट भी करना है, अब मैं कल आऊंगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर इनकी प्रोफाइल में आता हूँ, इनकी प्रोफाइल में आया, मैंने इस पे होवर किया, ये कितनी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, सेवन कंट्रीब्यूशन। सेवन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ रहा है, इसने बताया कि एक तो इन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, ज्वाइन गिटअप किया एक कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, रिपोजिटरी क्रिएट की, बाकी मैंने पांच कमिट किए, तो पांच कमिट को वो क्या दिखा रहा है, पांच डिफरेंट कंट्रीब्यूशन। तो ये इनका क्या आ रहा है, ग्रीन। अब ये अगर मैं, इनकी एक रेपो बन गई है, अब इनकी डिफरेंट रेपोज बनेंगी, और ये जितना ज्यादा ग्रीन होगा इतना ज्यादा क्या पता चलेगा, हाँ यार इन्होंने काम किया है। तो अभी मुझे पहले ये बताओ, जो भी हमने देखा, ऐड किया, कमिट किया, और अब मैं नया फोल्डर फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। मैं यहाँ पे आया, मैंने बनाया क्लास, न्यू फोल्डर बनाया क्लास फोर डॉट, सही है। अब मुझे कोई एक वॉलंटियर करेगा कि हमें क्या क्या काम करना है। अब मैं नया फोल्डर बनाया, मैं नई रैप मतलब काम करना चाह रहा हूँ, उसमें तो मुझे अब इनिट विनिट नहीं करना, उसमें मैं जो भी अपडेट करूंगा तीन कमांड चलाऊंगा, कौन कौन सी, ऐड की, कमिट की और पुश की। अब मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ, नया फोल्डर में जी बताएं आप क्या करेंगे। सही है, गेट इनिशियलाइज हो जाएगा हमारे फोल्डर में, ठीक हो गया। सही है, ऐड डॉट से क्या होगा, जो भी फाइल्स होंगी सारी ऐड हो जाएंगी। कमिट से हम क्या बता देंगे, उसका मैसेज कि हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं या क्या अपलोड किया है। सही है, अच्छा देखो, अब नया रेप, नया प्रोजेक्ट बनाया ना, तो मुझे एक नई रेपो भी तो बनानी होगी गिटहब पे जाके, ऐसा ही है। इसको मैं पुश कहाँ करूंगा, ये तो मैंने काम का ये वाली रेपो में पुश कर दिया, अब मुझे अलग काम पुश करना है कहाँ पे, नई रेपो। तो मैं क्या करूंगा, नई रेपो बनाऊंगा और उस रेपो का एक लिंक भी होगा, फिर मैं क्या करूंगा, रिमोट जो उसका ओरिजिन है वो ऐड करूंगा, किस तरह, गेट ऐड रिमोट ओरिजिन, और वो लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा लोकल जो प्रोजेक्ट होगा वो मेरे रिमोट प्रोजेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मास्टर क्यों करूंगा, डिफॉल्ट ब्रांच मेरी कौन सी होती है, मास्टर की, मैंने उसकी ब्रांच से मेन की ब्रांच नहीं बनाई, अगर मैं मेन की बनाता तो फिर मैं मास्टर की जगह क्या लिखता, मेन, सही है। और अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे अपडेट करनी होगी, गेट ऐड डॉट कमिट और पुश, सही है। मैंने वहां पे रिपोजिटरी भी लाजमी बनानी है, और उसी रिपोजिटरी का लिंक कनेक्ट करना है, तो ही मुझे क्या पता चलेगा,
कि ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ फाइल नहीं, मैं इसमें फोल्डर भी बना सकता हूँ। मैंने फोल्डर बनाया एग्जाम्पल्स का, या आप लोग अगर चाह रहे हो, जैसे मैंने आप लोग को लिंक शेयर की थी, मैं इधर आऊं, अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आऊं, यहाँ पे आऊं, क्या लिखूं, गिटहब यार, ये तो मैंने आपसे रिपोजिटरी जो शेयर की थी ये था ना, इसमें मैंने फोल्ड मतलब SMIT फ्लटर बैच नाम रख दिया था। अब मैं जितने भी फोल्डर होंगे ना, मैं इसी में बना रहा हूँ, ये मेरी एक रिपोजिटरी है, इसी रिपोजिटरी को मैं क्या करते रहूंगा, अपडेट करते रहूंगा। तो मैं क्लास वन है मेरी, ये क्लास टू है, मैं क्लास थ्री का फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पे सारा, क्लास टू में जैसे मैंने काम किया था इफेल्स का फोल्डर था, इफेल्स के फोल्डर में इफेल्स की एक वो थी, बाकी एग्जाम्पल्स थी, एग्जाम्पल्स में मैंने एवे नॉट की बताई हुई थी, लॉग इन, ये सारी चीजें। तो अब इस तरीके से आप लोग अपनी रिपोजिटरीज क्या कर सकते हो, मेंटेन, नई रिपोजिटरी बनाओगे, ओ नया फोल्डर बनाओगे, कुछ नया पुश करना है तो उसके लिए एक नई रिपोजिटरी बनाना लाजमी है, वो बना लोगे। आगे सबसे पहला काम क्या करोगे, उस फोल्डर को बताओगे कि गिट इनिशियलाइज करोगे, तो वो कैसा करोगे, गिट इनिट से, फिर ऐड करोगे और कमिट कर दोगे। ऐड कमिट हो गया, उसके बाद मुझे आपस में रिपोजिटरीज कनेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिमोट का जो ओरिजिन है, लिंक है, वो मैं क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा, तो उससे कनेक्ट होगा। पांचवी चीज, पुश कर दूंगा जो भी ब्रांच होगी उसका नाम बता के। और अब नेक्स्ट टाइम से मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए तो मुझे ऐड कमिट करना है और पुश करना है। अब इससे क्या होगा, अब मैंने सिस्टम बंद कर दिया, अब मैं कल को कहीं भी जाता हूँ तो मेरा कोड वहां पे है, मैं जाऊंगा उस कोड को ले रख लूंगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं इन चीजों को ना बंद करता हूँ, सही है, और मैं क्या करता हूँ, वी एस कोड भी मेरा बंद है। सपोज करो मैं ये अभी ना मेरे पास ये कोड नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यही कोड हमने पुश किया था ना, ये मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब समझो मैंने आगे सिस्टम पे किया था, अब मैं घर गया अपने घर के सिस्टम में, तो मेरे पास ये कोड नहीं है, अब मैं वाले कोड को किस तरह लाऊंगा, कॉपी करूंगा या क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा रिपोजिटरीज में, आगे जो भी रिपोजिटरी मुझे डाउनलोड करनी है ना उस पर आया, और ये कोड नजर आ रहे, इधर आऊंगा, दो तरीके होंगे, या तो मैं क्या कर लूं, डाउनलोड जिप फाइल, जिप फाइल डाउनलोड करूंगा, क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और फोल्डर को ओपन कर लूंगा। लेकिन हमने ये वाली अप्रोच नहीं अपनानी, वो क्यों, वो हम आगे चल के जब ब्रांचेस वगैरह को डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा इसमें हमारे पास क्या डिसएडवांटेज है। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक जो मेन ब्रांच होती है ना, वो उसी का कोड दिखाता है। अब हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में हमने हर ब्रांचेस में अलग कोड रखा हुआ होगा, वो फीचर वाइज होता है, वो मैं समझाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं ना, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, समझो व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में चैट का फीचर भी है, वीडियो कॉल का भी है, समझो ये डेवलपर थे, ये चैट के फीचर पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक ब्रांच बना ली चैट के फीचर के नाम से, मैं कर रहा था वीडियो कॉल पे। अभी जो मास्टर मेन की ब्रांच बनी हुई है ना, तो इसको समझ लो चैट के नाम से बना ली ब्रांच, और एक बन गई वीडियो कॉल के नाम से। तो जब मैं डाउनलोड करूंगा ना जिप फाइल से, तो एक ही ब्रांच जो मेन ब्रांच होगी ना, वो ही डाउनलोड हो रही होगी, सही है। तो मेरे पास सबका कोड नहीं आएगा, मुझे क्या करना होगा, ये जो लिंक आ रही है ना, लिंक देख रहे हो, मैं कुछ हटाया कोड में आया, ये तो बोल रहा है डाउनलोड कर लो जिप, या तो ये एक लिंक शो कर रहा है, मैंने इसे कॉपी किया, मैं अपने पास आके क्या खोलूंगा, CMD खोल लूं या गिट बैश खोल लूं, कुछ भी, CMD खोला, मुझे कहाँ डाउनलोड करनी है, डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ ताकि आसानी से मिल जाए, CD किया डेस्कटॉप, तो ये क्या डेस्कटॉप के पाथ पे आ गया, यहाँ पे होगा। मैं लिखूंगा गिट क्लोन, क्या लिखूंगा, गिट, इसको जूम कर दूं, विजिबल है सबको, गिट क्लोन लिखा और वो लिंक क्या कर दूंगा, पेस्ट। क्लोन का मतलब क्या है, किसी चीज को कॉपी करना, क्या सही है। तो मैंने गिट क्लोन किया, लिंक की और एंटर कर दिया, इसने कहा क्लोनिंग इनटू फ्लटर क्लास 3, मेरी रेपो का नाम क्या था, फ्लटर क्लास 3 था। मैं इधर आया, देख रहे हो ये फोल्डर इसने क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, वहां से पूरा फोल्डर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको अगर VS कोड में खोलूं, फोल्डर का नाम मेरा क्या होगा, वहां पे जो हमने रिपोजिटरी का नाम रखा हुआ है, सही है। मैं ओपन फोल्डर किया, मैंने डेस्कटॉप पे किया था ना, डेस्कटॉप पे आया, फ्लटर क्लास 3 सिलेक्ट फोल्डर, ये देखो वही चीजें आ गई, मैंने जबकि डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने कौन सी कमांड चलाई, गेट स्पेस क्लोन स्पेस मेरी रिपोजिटरी का
लिंक। अब मैं यहाँ पे आया, मैं कोई भी चेंजिंग, अच्छा इसको मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे आया, मैं कोई भी चेंजिंग करूंगा प्रिंट, देख रहे हो उसने फिर क्या कर दिया, येलो दे दिया कि ये मॉडिफाई हुई है, अपलोड नहीं हुई। और एक चीज याद रहे कि मैं, मेरा ही अकाउंट है तो मैं ही इस पे अपलोड कर सकता हूँ, मैं किसी की रेपो पे ऐसे क्लोन करके अपलोड नहीं, क्लोन तो कर सकता हूँ पब्लिक रेपो, लेकिन उसकी रेपो पे कुछ अपलोड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसने मुझे एक्सेस ना दिया। तो एक्सेस वाली चीजों को भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक के सबके सारी चीजें क्लियर है, कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो, मैं बोल बोल के थक गया, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, क्लियर है सबको। अपडेट कैसे होगा कोड, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब मैंने अपडेट किया तो मेरा कैसे कोड अपडेट होगा, ये चीजें भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब एक काम आप लोगों ने करना होगा, ये अभी तो क्लास में आप लोग क्या करना, जिस जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो अकाउंट क्रिएट करो अपने लैपटॉप पे, और जो लैपटॉप नहीं लाए, जो बिगनर है, वो किसी ऐसे के साथ कनेक्ट हो जाए जिनके पास लैपटॉप है, वो उनके साथ कनेक्ट हो और इस चीज को अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके एक रेपो पुश करो। अच्छा आज असाइनमेंट क्योंकि हुआ नहीं है काफी बच्चों का, और अब ये तो रिकॉर्ड भी हो गया, मैंने बोल दिया तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया। तो अब एक काम ये करना है, आपने जिन्होंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं किया, सबके लिए लास्ट वार्निंग वो ये कि सैटरडे, सही है, तो उसमें आप लोग ने क्या करना है, मैं इसमें गूगल क्लासरूम पे आके ड्यू डेट जो होती ना वो बढ़ा दूंगा, सही है, ताकि किसी का लेट ना आ रहा हो। आप लोग क्या करेंगे, गिटहब के, अपनी गिटहब की प्रोफाइल की लिंक, और जो आपका असाइनमेंट वन था ना, जो अभी आपने इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल या इन अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल इसमें सबमिट किया था, अब आप लोग ने क्या करना है, गिटहब पे पुश करोगे और कुछ भी नहीं करना, गिटहब की उस रिपोजिटरी का लिंक दे दोगे, रिपोजिटरी का लिंक दोगे, सब आ जाएगा, मैं आराम से रिपोजिटरी का लिंक देखूंगा, सबका कोड देख सकता हूँ। तो आप लोग ने असाइनमेंट में क्या करना है, उसी असाइनमेंट को रिपोजिटरी बना के उसका लिंक ऐड करना है, ये चीज क्लियर है सबके। बाकी इसमें कोई समझने में कोई इशू वगैरह, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो मैं उसको समझाऊं दोबारा, जी पुरानी फाइल डिलीट करनी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा अच्छा वो नहीं, डिलीट लाजमी नहीं है करो या कर देना डिलीट, सिर्फ आप लोग लिंक अपलोड कर दो, सिर्फ लिंक अपलोड कर दो, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन भी है कि सबकी लिंक आएगी उसकी, अच्छा लिंक अपलोड कर देना, सही है ठीक है, बस लिंक अपलोड कर देना, हाँ प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हो, हाँ कमेंट भी कर सकते हो आप उसी में, लेकिन आप वो देख लेना, कमेंट नहीं कर दो या अपना सिंपल अपलोड कर दो, तो ये समझो जिसका हुआ नहीं था ना उन्हें क्या मिल गया, टाइम मिल गया, सही है। अब गेट को यहीं तक रोकते हैं, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जिसके कोई कंफ्यूजन हुई, सही है। अच्छा मैं एग्जैक्ट असाइनमेंट के सवाल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये उम्मीद नहीं रखना, मैं उससे रिलेटेड चीजें गाइड कर दूंगा, जैसे कोई सवाल है तो उससे रिलेटेड दूसरी एग्जाम्पल बता दूंगा तो आपके समझ आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट मैं सवाल नहीं बताऊंगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट के अभी एक सवाल था हमारा लीप ईयर वाला, किस किसने वो नहीं किया, एक ने नहीं किया, दो ने, तीन ने, चार ने, मतलब काफी ने नहीं किया होगा। अब लीप ईयर वाला जो सवाल था उसमें अगर हम लॉजिक लगाएं, लीप ईयर को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, लीप ईयर क्या होता है, चलो यहाँ अभी छोड़ते हैं इसको, छोड़ते हैं डायरेक्ट लीप ईयर पे नहीं आते, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल करवाता हूँ, वो पूरी लीप ईयर से क्या कर रही होगी, रिलेट कर रही होगी, सही है, तो उससे आपका लीप ईयर वाला सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन फाइल को अभी हटा देता हूँ या एक फाइल बना लेता हूँ किसकी, अच्छा ये कोड मेरा वहां पे भी है, गिटहब पे रखा हुआ है, ये भी नोट का ना, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, वाइड मेन बनाया, सही है, और मैं क्या कर दूं, सही है। अब मुझे बताओ इवन नंबर क्या होता है, जो टू से डिवाइड हो सकता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो टू से डिवाइड नहीं हो सकता, टू क्या है, फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये सारे क्या है,
इवन नंबर है, 13579 ये क्या है, ऑड नंबर है, ये चीज सबके क्लियर है। लेकिन अगर मैं इवन और ऑड का प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है, अगर मैं थोड़ा लॉजिकली समझू, कोई ऐसा नंबर जो कि कंप्लीटली टू से डिवाइड हो सकता है तो वो क्या होगा, इवन नंबर। अब मैं अगर थोड़ा सा इस पे जोर दूं दिमाग पे, तो अगर वो कंप्लीटली टू से डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, जीरो बच रहा होगा, तो वो क्या है, इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने एक लिया इंटीजर नंबर इक्वल टू 23, सही है, मैंने किया इफ, यहां पे मैंने बताया नंबर रिमाइंडर क्या करूंगा, एक मिनट, हाँ हाँ ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, ये रहा, रिमाइंडर टू करूंगा, क्या आना चाहिए, ये चीज पहले बताओ किस किस के समझ नहीं आई, मैं समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है इसमें, एक के नहीं आई, दो के नहीं आई, बस सही है, नहीं आई तुम नहीं आई, इसमें घबराने वाली क्या बात है, मैं इसको नहीं कराता इस तरीके से, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, मैं अभी मैं कंडीशन पे नहीं जा रहा, मैं इधर आ रहा हूँ नंबर रिमाइंडर, अगर मैं कर रहा हूँ टू, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप बताएं, रिमाइंडर वैसे पता है आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है, रिमाइंडर हमने किया था, याद आ रहा है कुछ, जी जी, डिवीजन के बाद जो रह जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर मैं 23 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो मेरे 2 के टेबल में कहां तक आता है, 22 तक आता है, उसके बाद आगे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, बचा कितना, एक, तो मेरा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। अब मैं इस प्रोग्राम को कैसे बताऊं, अब मैं ऐसे बताऊंगा जो कंप्लीट डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, जीरो बच रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं 22 कर दूं इसको, 22 रिमाइंडर 2 के टेबल में 22 आता है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, सही है। तो ऐसा कोई नंबर जिसका रिमाइंडर जीरो आ रहा हो वो क्या होगा, इवन नंबर। अब मैं इसको इफ एल्स में किस तरह बताऊं, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा इफ एल्स, मैंने कहा नंबर, नंबर में मेरे पास नंबर आ रहा है, रिमाइंडर मैंने किया 2, इस जगह क्या आएगा, जो भी डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड हो गया 1 बच रहा होगा तो 1 आ जाएगा इस पूरी कंडीशन पे, ऐसा ही है, या 0 आ जाएगा। मैंने कहा अगर ये चीज 0 इक्वल हो किसके, 0 के, इसकी जगह क्या आएगा, अभी 22 रिमाइंडर 2, इसकी जगह 0 आएगा, मैंने कहा अगर 0 0 के बराबर है तो यहाँ पे क्या हो, प्रिंट इवन नंबर, ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑड नंबर, सही है। तो अगर मैं अब दिमाग पे जोर दूं, मैं इसको यहां पे करता हूं 23 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर क्या बचा, 1, मैं अगर यहां पे आऊं, ये कंडीशन मेरी क्या बोल रही है, 1 इक्वल इक्वल टू 0, ऐसा है क्या, कंडीशन मेरी क्या हुई, फॉल्स हो गई, क्या चलेगा, 23 पे क्या चलेगा, एल्स, क्योंकि ये क्या था, ऑड नंबर था। अगर मैं इसको कर दूं 22 रिमाइंडर 2, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 0 के इक्वल था, तो क्या चलेगा, इफ का कर्ली ब्रैकेट के स्टेटमेंट, ये क्या बोल देगा, प्रिंट इवन नंबर। तो ये इवन ऑड का एक प्रोग्राम हो गया मेरे पास। अब लीप ईयर भी इसी तरह था। अब देखो मैंने पूरी हिंट दे दी, कंप्लीट हिंट, लीप ईयर क्या होता है, 4 सालों में एक बार आता है, और एक और कंडीशन होती है, सही है। अब लीप ईयर की आप डेफिनेशन पढ़ना, लीप ईयर होता क्या है, अगर मैं जस्ट सपोज बोलूं लीप ईयर वो होता है हर 4 साल में एक बार आता है, तो क्या हो सकता है, 2000 2004 2008, क्या समझ आ रहा है, बस इतना काफी है। अच्छा सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन है इसकी लीप ईयर की,
लीप ईयर सेंचुरी ईयर्स में से नहीं होता अंटिल एंड अनलेस वो 400 से डिवाइड ना हो रहा हो। तो ये इसमें दो तीन कंडीशन है। अब ये प्रोग्राम कर लोगे ना आपकी लॉजिक बहुत अच्छी बनेगी, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे पता है काफी उसे नहीं बन पाया होगा और उसमें उनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनका एक कसूर यह है कि उन्होंने किसी से पूछा नहीं या पूछा नहीं, उसने किसी ने हेल्प नहीं की। तो भी उनका कसूर यह है कि उन्होंने ऑनलाइन सर्च नहीं किया, उन्होंने ऑनलाइन जाके कोई वीडियो देख के समझा नहीं। मैंने पहली क्लास में क्या बोला था, ये वन वे लर्निंग नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे बिठाऊंगा, ये आपकी लर्निंग ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला था। इसी वजह से मैंने असाइनमेंट भी थोड़ा हार्ड दिया। क्यों दिया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी, वो इसी वजह से दिया। अगर वो आप असाइनमेंट कर लेते तो क्या होता, लॉजिक आपकी बहुत टाइट बनती। आप एक चीज को ना इस दिमाग से नहीं सोच रहे होते, आप इस दिमाग से सोच रहे होते, आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाता। अभी जैसे हमने रिमाइंडर वाला, इसमें भी आपका काफी हद तक दिमाग खुला होगा। अब आप जाओगे लीप ईयर का सवाल करोगे, उसमें 12 सवाल है, 12 सवाल मैं मानता हूं नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन आपके पास टाइम कितना था? मैंने कब दिया था, संडे नाइट या मंडे? मैंने मंडे को दिया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन थे, हर रोज भी 3 सवाल करते हो जाते, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। दिन का 1-2 घंटा देने को बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप देखो नहीं दोगे ना बहुत रिग्रेट होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। आप लोग सिंपल जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हर कोई समझ के, एक चीज समझ के कोई 10 सवाल नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ, सही है। इसीलिए मैंने आज क्या किया, जाने भी दिया कि यार चलो छोड़ो। अच्छा ऐसा नहीं है कि एक सवाल तो समझ आ रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक भी सवाल समझ, जितना आ रहा है वो तो अपलोड करो। तो आप लोग ने, अच्छा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, वरना ये सब